सब्सक्राइब करें ईपॉक्सी टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमेशा मेरे साथ अपडेट रहने के लिए। दोस्तों आप रोजाना कुछ ऐसे डिवाइसेस यूज करते हैं जो होती है एकदम नॉन, लेकिन उसकी वर्किंग के बारे में होता है आप एकदम अननोन। दोस्तों आज हम ऐसे ही डिवाइस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो है आपके लिए एकदम नॉन, लेकिन है उसकी वर्किंग आपके लिए एकदम अननोन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखिल और आप देख रहे हैं ईपॉक्सी टेक। तो दोस्तों आज की वीडियो पर आगे तक देखते जाइए। मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ गैस स्टोव को चलाने के लिए जो लाइटर यूज किया जाता है उसकी वर्किंग के बारे में। उसको जानने के लिए लेट्स बिगिन। दोस्तों हम रोजाना गैस स्टोव को चलाने के लिए आपकी मम्मी या आप हमेशा लाइटर का उपयोग करते हैं, लेकिन आपने कभी उसकी वर्किंग को जानने की कोशिश की है? यदि नहीं की है तो आज आप इस वीडियो को देखते रहिए आगे तक। दोस्तों मैं बात करूं लाइटर की, तो लाइटर के स्ट्रक्चर के अंदर होता है एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, साथ ही में होता है एक हैमर जो अटैच होता है एक स्प्रिंग से, और स्प्रिंग अटैच होती है आपके उस बटन से जिसको आप दबा के चलाते हो उस लाइटर को। अब मैं बात करूं इसकी वर्किंग की, तो इसके अंदर होता है जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, यदि उसकी बात करूं तो उसके ऊपर जब आप दबाते हो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के ऊपर मैकेनिकल फोर्स उसके ट्रांसवर्स एग्जिस्ट किया लो तो वो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने के बाद में ये इलेक्ट्रिक स्पार्क क्रिएट करता है। अभी कैसे करता है इसके बारे में आपको बताता हूँ। कि जैसे आपने मैंने आपको बताया कि पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है उसके ऊपर लगा होता है हैमर, हैमर के ऊपर लगा होता है स्प्रिंग, और स्प्रिंग अटैच होती है आपके बटन से। अब मैं बात करूँ जब आप दबाते हो लाइटर के बटन को तो वो हैमर जाती है ऊपर की तरफ, वो यानी पीजो इलेक्ट्रिक डिवाइस से ऊपर की तरफ जाती है यानी उससे दूर जाती है। अब वो दूर जाती है तो एक एक्सिट पॉइंट आता है, जैसे आप सुनते हो टक की आवाज, वो होती है एक्सिट पॉइंट। तो ऊपर जाता है और एक्सिट पॉइंट जैसे ही होता है स्प्रिंग से वो छूटता है हैमर, और वो छूट के जोर से स्ट्राइक करता है आपके पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को। अब मैंने जैसे आपको बताया जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पे यदि आप लगाओगे मैकेनिकल फोर्स तो वो जनरेट करेगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब वो जैसे ही लगाता है हैमर उसके ऊपर मैकेनिकल फोर्स, और वैसे ही वो कर देता है वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट अराउंड 700 से 800 की रेंज के बीच में जनरेट करता है वोल्टेज, और ये दो वायर अटैच होते हैं लाइटर से उनके थ्रू भेजा जाता है एक स्मॉल एयर गैप के बीच में। यदि बात करें स्मॉल एयर गैप के बीच में, तो जैसे ही जाता है तो वहाँ की जो एयर होती है छोटी सी एयर, वहाँ पे जो एयर गैप होता है वो होता है छोटा, और उसकी वजह से वो कर देता है आसपास की एयर को आयनाइज और बना देता है डिस्चार्ज पाथ। वो जो डिस्चार्ज पाथ होता है वहाँ पर होता है स्पार्क, उसी वजह से होता है जो डिस्चार्ज हुआ इलेक्ट्रॉन्स हुए डिस्चार्ज उसकी वजह से हो जाता है स्पार्क, और ये स्पार्क यूज लिया जाता है आपकी गैस स्टोव को चलाने के लिए। दोस्तों ये एक छोटी सी सिंपल सी वर्किंग किसी लाइटर की, और इसमें जो मेन रोल है वो है आपकी पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का। जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है वो एक मेन चीज, जब उसके ट्रांसफर एग्जिस्ट के लोग आप लगाते हो मैकेनिकल फोर्स तो वो जनरेट करता है पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी वजह से आपकी क्रिएट होती है स्पार्क। दोस्तों यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसे जरूर लाइक एंड शेयर करें, साथ ही में आप चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं आपके लिए आगे ऐसे कंटेंट लाता रहूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।